क्या बना रहे हो आदर्श? भेलपुरी भेलपुरी। गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज इंडिया जीत गई है और यहाँ पे न्यूजीलैंड काफी अच्छे से हार गई। तो गाइस तुषार सर एक हफ्ते से नारुतो देख रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि आज फाइनल करके ही छोड़ेंगे, तो ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये तो सर ये क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो आदर्श? भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी। 10 रुपए में कर दो कॉल, मैं भी बिजी हूँ। बिजी है आज वो, भेलपुरी बना रहा है खाने को। सब कुछ वीडियो में दिखा देना, सब कुछ वीडियो में दिखा देना, इसको मत दिखाना। क्या है वो? क्या है ये? है मखाना मिक्सर। अच्छा ये दिखाना नहीं था? नहीं, यही राज है इसका, भेलपुरी का। हेलो जी, यही है इसका राज, यही तो है इसकी कहानी। आदर्श भेलपुरी का मास्टर बीटे की इंजीनियरिंग करने के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो आराम से भेलपुरी की दुकान खोल के एकदम लाख दो लाख कमाएंगे और मैं पानी भरने के लिए इनकी दुकान पे। बिल्कुल कॉलेज, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, बस ये तीनों हैं। तो भाई जैसे कॉलेज से आ गए और वहाँ जाके पता चला कि कोई आया ही नहीं है, फिर टीचर से क्या हुआ बात हुई, फिर अटेंडेंस लिया गया, फिर निकल लिया। वैसे तो अटेंडेंस मैम बोल रही थी भेजी जा चुकी है, तो फिर अटेंडेंस लगाने की क्या जरूरत है। तो गाइज आज कॉलेज गया था, तो फिर वहाँ पे जैसे बताया था कि वहाँ कोई आया ही नहीं, फिर टीचर भी नहीं थे, तो फिर मैं था और ये असनी भाई थे। तो डिसाइड किया कि चलते हैं इनका हॉस्टल, आज विजिट करते हैं, देखता हूँ कैसा है। कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा ग्राउंड है वहाँ पे। हाँ चलिए देखते हैं और क्या। चलो दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा इनका है हॉस्टल का ग्राउंड, एक्चुअली ये कॉलेज है, हॉस्टल भी रेंट जैसा उठा रखे हैं। बच्चे ही नहीं यहाँ पे, बच्चे नहीं ना सुनी यहाँ पे, आत्माएं रहती हैं। ये रहा एक मैन और वो पेड़ के पीछे जीएल बजाज दिख रहा होगा। बंद हो गए यार, खुला खुला है पूरा। मैटी रहता है अभी भी अमित मैटी। हाँ। अभी भी है। हाँ भाई, तो कितना स्ट्रगल करके तुम आते हो रास्तों से, एक्मेन से आते हैं बच्चे कॉलेज के लिए अनऑथराइज्ड वे से जेल बजा जाते। वैसे इतना जंगल है इधर, एक ये दो ये तीन। दीपावली के टाइम में 20 रुपए के देते हैं, अब 10। कैसा लग रहा है विशाल? साला चोट लग गई, चिपक गया पूरा अच्छे से।